राम की नगरी अयोध्या राममय हो गया है और धुन बजाया जा रहा है, राम आएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अयोध्या के कुछ वासी हैं और हम उनसे बात करेंगे कि अयोध्या में विकास कितना हुआ है, क्या बदल गया है। और राम आएंगे जो स्लोगन है, बड़ी बड़ी मीडिया हाउस जो चैनलें खड़ी हैं, जो जिसको कहा जाता है स्लोगन राम आएंगे, अपने आप को सबसे तेज, सबसे आगे, सबसे विश्वसनीय कहते हैं, लेकिन राम त्रेता युग से थे लेकिन आज भी हैं। और 140 करोड़ की आबादी के लोगों में राम बसते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं राम आएंगे। तो राम गायब कहाँ हुए थे? आज हमारे साथ कुछ युवा हैं और हम उनसे बात करेंगे। भैया, राम आएंगे, बड़ी बड़ी स्लोगन, बड़ी बड़ी गाना बताए, राम गायब कहाँ थे? राम तो पहले ही थे, पहले टेंट में थे। हाँ। अब राम मंदिर बन रहा है, राम भगवान उसमें जाएंगे। राम पहले कहीं नहीं गए थे, राम हमारे दिलों में रहते हैं। जी। और जो दिल में राम को बसाएगा, हाँ, और राम के कर्तव्य पे चल के दिखाएगा, राम उसके घर आएंगे। हाँ। राम सड़कों पे कहने से या अच्छी सड़कें बना देने से राम नहीं आएंगे। हाँ। हाँ। राम के कर्तव्य पे चलेगा जो, राम उसके घर आएंगे। अच्छा। क्या विकास हुआ है? अभी एक स्लोगन बनाया जा, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, क्या कहीं ना कहीं राम को लेकर राजनीति तो नहीं हो रही है? आप युवा हैं और यहाँ के। नहीं, राम को लेकर राजनीति नहीं हो रही, राम को लेकर राजनीति करना भी नहीं चाहिए। अयोध्या में विकास अच्छा हुआ है, सड़कें बनी हैं अच्छी, रोड लाइट अच्छी हुई है, गलियां चौड़ी हुई है, स्ट्रीट लाइट की सुविधा बढ़ी है, मेडिकल की सुविधाएं यहाँ केवल नहीं बढ़ी है। अच्छा। मेडिकल कॉलेज में अभी भी प्रोफेसरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो नहीं है, हम यही कहना चाहेंगे। राम सबके हैं इस देश में या इस अयोध्या जिले में। स्वास्थ्य सबको चाहिए, शिक्षा सबको चाहिए, राम तो पहले से थे, राम आज भी हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चाहिए और दोनों की अभाव है। क्या कहेंगे सरकार को लेकर के, क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं नीतियां कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, सरकार की नीतियां गड़बड़ नहीं होती है, सरकार तो अपने यहाँ से नीतियां सही बनाती है, जो उसको फॉलो अप करने वाले होते हैं वो नीति निर्माता तो सही होते हैं, फॉलो अप करने वाले गलत होते हैं। जैसे कुछ कार्यकर्ता होते हैं उसमें गलत उपयोग कर लेते हैं सरकार का, तो सरकार तो अपनी जगह सही चल रही है। और राम हिंदू मुसलमान या किसी के नहीं है, राम एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है, जिसके जो आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा उसके घर राम है, और जो आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करेगा उसके घर कोई नाम नहीं है। राम का नाम लेने से राम कुछ नहीं होता। आप थोड़ा सा इतिहास में बताता हूँ, 1925 में आरएसएस बनी है, 1980 के दशक तक जनसंघ और बीजेपी का राम का मुद्दा नहीं था। 1990 से लेकर 90 के दशक में राम का याद आई और राम के नाम पे जब राजनीति किए तब बीजेपी की बढ़ोतरी हुई। देखिए, राम के नाम से राजनीति उन्होंने नहीं की, राम एक एजेंडा है, राम को उन्होंने चलाया, जनता ने उस पर उनको आशीर्वाद दिया और सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने इस मामले को लेके गए, सुप्रीम कोर्ट ने माल्य न्यास के संबंध में रिजल्ट दिया और राम मंदिर बना। इसमें बीजेपी एक विचारधारा थी जो उसको आगे बढ़ा रही थी और राम मंदिर के पक्षकारों को सपोर्ट कर रही थी। जी, बेरोजगारी के देश 47% बेरोजगारी की इस यहाँ पे स्थिति है, इसको बेरोजगारी को मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? तो बेरोजगारी तो सबके ही जमाने में रही है, इनके जमाने में भी बेरोजगारी रही है और आगे भी बेरोजगारी रहेगी। बेरोजगारी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, कुछ स्तर तक समाप्त किया जा सकता है। जैसे सरकार है, सरकार आपको रोजगार दे नहीं सकती है, सरकार आपको रोजगार करिए सबको नौकरी नहीं दे सकती, आप बिजनेस करिए, यहाँ पर्यटक आएंगे उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, फूल बेचिए, माला बेचिए, दुकानें लगाइए, चाय बेच लीजिए, सरकार सबको रोजगार देने वाली है, लेकिन ये कहिए नौकरी देने वाली नहीं है। और मेडिकल की व्यवस्था तो यहाँ पहले थी खराब, अब भी खराब है, कोई बहुत तरक्की नहीं हुई मेडिकल के क्षेत्र में। तो किस नज़रिए से देखते हैं अब पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या परिवर्तन? देखिए, अयोध्या की मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अभी उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है जितने तरीके से राम राज्य लोग बता रहे हैं। राम राज्य बता रहे हैं। हाँ। कहीं ना कहीं उनका दावा नहीं, दावा तो गलत है ही है, जैसे अलग अलग सेक्टर में अगर देखेंगे तो कहीं दावा सही होता है, कहीं दावा खराब होता है, इन सब मुद्दों पर उनको काम करने की ज़रूरत है। अच्छा।
क्या कहेंगे भैया, अभी पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में कितना अंतर देखने को मिल रहा है? लगभग 90% बढ़ोतरी हुई है। क्या बढ़ोतरी हुई है? विकास हुआ है सड़क वगैरह का, लाइट वगैरह की सुविधा। और किसका विकास होना चाहिए? और सब ठीक ही चल रहा है, बस यही थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, हॉस्पिटल। आपको लगता है कि जिस घर में, अगर जिस घर को विकास होना है, घर हो, मोहल्ला हो, जिला हो, प्रदेश हो, वहाँ की अगर शिक्षा व्यवस्था शुद्ध कर दीजिए तो विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा, तब विकास हो जाएगा। क्या शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं इनके दावा? अब जैसे 2-3-4 साल से तो राम मंदिर का ही माहौल चल रहा है, तो लोग भाई गवर्नमेंट तो बिजी हुई इसमें, कहाँ कहाँ निगाहें जाएगी। राम नाम के लूट है, सके तो लूट है, चाहे शिक्षा लूट लो चाहे नौकरी लूट लो, कुछ ना कुछ कमी तो हो ही जाएगी, कुछ ना कुछ कमी तो होगी। अच्छा जो है, और बताइए, अभी जिन लोगों की घरों को तोड़ा गया है उनको अभी 22 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, उनको घरों से बाहर निकलने के लिए पाबंदी कर दिया गया, आदेश दे दिया गया, किस तरीके से इसको देखते हैं? अब भाई सुनाई दे पड़ा VIP आएंगे 22 तारीख को, तो VIP जब आता तो रास्ता वैसे ही बंद हो जाता है, वोट लेने के लिए वही VIP वोट। हाँ, क्या करोगे, देन तो पब्लिक की है, देन तो पब्लिक हम लोग की देन है, और रास्ता रोक दिया जाता है, रास्ता रोक दिया जाता है, जो है तो बात सही है। राम नाम की भैया क्या है, नहीं रोकेंगे तो भीड़ लग जाएगी ज़्यादा, तो दिक्कत फिर भी आएगी भाई। किस तरीके से देखते हैं भैया जिस चीज़ को? अयोध्या को, अयोध्या बहुत बदल गया है, अपना इसका पूर्ण वैभव बहाल हो गया है, यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया। इतिहास क्या है, कुछ पता है? और क्या, अरे इसका मैं ही इतिहास हूँ। क्या इतिहास है बताइए ना, आप कहाँ रहने वाले हैं? देखिए अयोध्या कोई आज की नगरी नहीं है, ये त्रेता युग से चली आ रही है, उससे भी पूर्व। हाँ। भारत में सिर्फ एक ही वंश की कल्पना की गई है। हाँ। वो है रघुवंश। हाँ। ठीक है ना, रघुवंश। हाँ, रघुवंश, सिंबोर वंश, रघुवंश। हाँ। ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के बाबा के भी बाबा थे, महाराज हरिश्चंद्र जी। अच्छा। उनका इतिहास है भारत का, इसी परिवार का इतिहास रहा है ये पूरा। आप पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं हम? हमारी शिक्षा अनंत है। कितना है वही पूछ रहा हूं। अनंत डिग्रियों में, डिग्रियों में बात करोगे आप, ये जो डिग्रियों की अगर आप बात, एक मिनट, लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप इस शैक्षणिक व्यवस्था की बात करोगे तो इसमें मैं डबल MA हूँ पॉलिटिकल साइंस से। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आप, मेरी शिक्षा का केंद्र अनंत है। नहीं ठीक है, फैजाबाद जिला था, इसको 2018 में योगी जी ने अयोध्या जिला बना दिया। सुनिए, उसी तरीके से अयोध्या कौन, जो पहले क्या नाम था इसका? पहले ये अयोध्या के नाम से जानी जाती थी, साकेत। वो तो आप इसकी इतिहास वही मैं देखिए, ये अगर इसमें जाएंगे आप तो ये साकेत पूरी कहलाती थी। तो राजा कौन थे? त्रेता के कौन राजा थे? त्रेता के राजा कौन थे? साकेत वो राजा कौन थे? अब ये तो मुझे नहीं, आप गलत, आप पहले पढ़िए यार, इतिहास में कुछ लिख लो, तुम्हारे लिखने से थोड़ी ना होगा, आपके लिखने से नहीं होगा। हम नहीं लिखे, इतिहासकारों ने लिखा। सुनिए देखिए, इतिहास कोई वैसी चीज नहीं होती, इतिहास मैं मानता हूँ कि यह समृद्ध लोगों की, ठीक है, एक व्यवस्था है। ये साकेत नगरी था, इसके इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, इसके राजा थे बृहदत्त मौर्य। ये कभी ऐसा, देखिए आप कह रहे हो, आपकी बात से मैं सहमत नहीं रहूंगा। क्या राममय हो गया है अयोध्या? तो सब पूरा देश राममय था। चार शंकराचार्य इस प्राण प्रतिष्ठान का विरोध कर रहे हैं, वो नहीं शामिल हो रहे। कौन कह रहा है आपको विरोध कर रहे हैं? उनकी कैसे, वो कौन है शंकराचार्य? वो हमारे धर्म के पुरोहित हैं, हम कहीं धर्म का रास्ता भटकते हैं तो मार्गदर्शक हैं, ना कि वो हमारी व्यवस्था को मार्ग दिखा रहे हैं। नहीं, वो मार्ग दिखा रहे हैं, उनका सम्मान है, वो सब सारे लोग हमारे साथ सहमत हैं। हम महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र। ओके, राम के दर्शन करने आए हैं। जी जी। अच्छा। राम के दर्शन और ये जो अभी कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा। वो देखने आए हैं। 22 जनवरी को। अच्छा, क्या बदला?
नहीं, हम तो पहले कभी अयोध्या नहीं आए थे, लेकिन यहाँ के लोग, अब मैं 6 दिन से यहाँ पे हूँ, तो उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जो अयोध्या थी और आज की जो अयोध्या है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ ये नया गार्ड देख रहे हैं, वहाँ गंदी नाला था, जो ये सड़कें बड़ी चौड़ी दिख रही है, वहाँ बिल्कुल छोटी सकरी गलियाँ थी और दुकानें भी अस्त व्यस्त थी, जिसे अब सुचारू रूप से सजाया गया है। एकनाथ शिंदे भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी। जी जी, सभी मुख्यमंत्री को निमंत्रित किया गया है, तो आएंगे जरूर। लोग कहते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर के ये तैयारियां भव्य चल रही राम नाम की, कितना सहमत है? जी नहीं, ये तो जो है ये तो करना ही था, अब ये तो संयोग है कि इसके बाद में चुनाव आ रहे हैं, इसके बाद में चुनाव आ रहे हैं, ये संयोगवश है। मुझे नहीं लगता कि नाम पे वोट राम के नाम पे तो वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन धर्म का कार्य कर रहे हैं तो शायद उसके माध्यम से वोट मिले। क्या नाम बाबा? मैं ज्योतिषाचार्य अभय भारद्वाज। आपने अभी अभी इनसे प्रश्न पूछा कि ये लोकसभा का चुनाव आने वाला है तो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इसके पहले नहीं कह रहे हैं ये चारों शंकराचार्य भी कह रहे हैं, मेरा नहीं, मैं क्यों कहूँगा, ये जो हिंदू धर्म, जवाब देना, अरे मेरी बात तो सुनो, जो हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं उनका कहना है कि अधूरा राम मंदिर बना करके 2024 के चुनाव में के वोट लेने का ये काम कर रहे हैं, ठीक है मोदी जी। सगरम शंकराचार्य है, शंकराचार्य साक्षात शंकर के अवतार हैं, तो उनके ऊपर टिप्पणी करने के तो हम लोग का इतनी हिम्मत नहीं है, ना ही उतना योग्यता है। बस इतना बोलना चाहेंगे कि इसके पहले भी तो लोग लोकसभा का चुनाव होता था, तो इसके पहले और पार्टियां क्यों नहीं कर ली? जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि राम मंदिर पूरा नहीं बना हुआ, उसके बाद प्रतिष्ठा हो रहा है, तो रामलला जिस गर्भगृह में वास करेंगे, जिस गर्भगृह में भगवान का प्रतिष्ठा होने जा रहा है, वह मंदिर अंदर से पूरा बन के तैयार है, गर्भगृह पूरा तैयार है, बाकी जो मंदिर है वो 67 एकड़ में बनना, उसको बनने में 5 साल लग जाएंगे, तो अभी बहुत मंदिर बने, 7 मंदिर और बनेंगे। तो कह रहे हैं कि जो मेन मंदिर है पूरा बन जाने दीजिए, ध्वजा पताका फहरा जाता है, मंदिर का प्रतिष्ठा हो जाएगा, भगवान बाल रूप में और भगवान गर्भगृह में निवास कर लेंगे, उसके बाद भी काम चलता रहे, कोई संदेह नहीं है, ये भी शास्त्र प्रमाण कहता है, कोई संदेह नहीं है। अच्छा जी, और हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य ने इस पर टिप्पणी भी की है और उसको अच्छी तरीके से समझाया भी है, हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य राम भद्राचार्य ने इसको अच्छे समझाया है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में पूजा जब भी किया जाता है, पत्नी के साथ अगर बैठ के पूजा ना किया जाए तो पूजा अधूरा होता है। बात तो सुनो, और आप तो भाई हिंदू धर्म में आप एक योगी हैं, आप एक संत हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले प्राण प्रतिष्ठान में पूजा करते तो क्या ये सफल होगा? आपने तो ध्यान से सुना नहीं, ये जो राम मंदिर का पूजन होने जा रहा है ये मिश्रा परिवार सपत्नी सहित बैठ करके पूजन करेंगे, सिर्फ माननीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर विराजमान रहेंगे, बैठे रहेंगे, पूजन कार्य मिश्रा जी के सपत्नी के साथ होगा, संपन्न कराया जाएगा, नहीं वो नहीं करेंगे जी। तो देख सकते हैं हर लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन इस राय पर आपका क्या कमेंट है और आप क्या सोचते हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएं, क्योंकि राम की नगरी में बहुरंग के लोग हैं और हर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, अयोध्या।